दूसरा टुकड़ा आपकी सेवा में है, मंजले जी सुनिएगा। सुनिए Thank you.
और देखो ये दुर्भाग्य सौभाग्य की बात तो देखिए, मैं उड़ता चला गया, मेरे पंख जल गए, मैं नीचे गिरा। चंद्र मुनि ने मुझसे कहा कि जिस वक्त तुम सीता की शोध में सहयोग करोगे तब तुम्हारे पंख उग आएंगे। और देखो मेरे भाई जटायु ने सीता का पता बताया, सीता को बचाया तो उसके पंख कट गए, और मैंने पता बताया तो मेरे पंख उग आए हैं। इसी तरह दो भाई भरत और राम, जब भरत लाल जी राम जी को मनाने के लिए गए तो लौटाने के लिए है, लेकिन वहां पहुंच के राम जी ने कहा भरत क्या चाहते हो? तो भरत की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि कह रहे राम लौट चलो। भरत ने कहा प्रभु ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। तो एक छोटा सा गणपीस तत्पश्चात चल पड़ा जी। बढ़िया गीत गई है। अब जब जवाबी की घोषणा हो जाती है समाप्ति की, तो कुछ कहने सुनने का कुछ रह नहीं जाता है। आपने क्या दिया, हमने क्या दिया। एक गीत आप दे गई है भी और एक गणपीस दे गई है। चंद पंक्तियों में गीत आपने कि यह तो जवाबी में जोड़ा मिलाया जाए या उसका विलोम मिलाया जाए, या आप पुल्लिंग में है तो हम स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग में है तो हम पुल्लिंग का, कोई गीत भी से छेड़े। अब आपने कहा हाँ हम लौट चले, आपने फिर उस बात को दोहराया था कल्पना जी, कहना सुनना तो नहीं है तो थोड़ा सा इशारा करता हूं। आप बोले कि चौकीदार गाया था, आपको कुछ और गाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में वो विषय ही ताजा है। जब आपने चौकीदार गाया तो मुझे भी चौकीदार गाना पड़ा, लेकिन आपसे हटके प्रसंग अलग थे। आपके कोई प्रसंग नहीं लिए, चौकीदार जरूर लगाया है। ऐसे तो आपने भी हमारे कई गीतों के जवाब दिए हैं। अब रही बात, आपने कहा अब लौट चले, आइए प्रयास करता हूं। दो भाई थे और दोनों भाई सगे थे, दोनों घर से सजधज के निकले। चौराहे पे आए, एक चला गया वेश्या के घर और एक चला गया भगवान के मंदिर में। वेश्या के घर गया, वो वेश्या गमन करने लगा।
दर्शन, जो भगवान के मंदिर गया वो भगवान के दर्शन करने लगा, लेकिन जो दर्शन कर रहा था वो सोच रहा था कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, मेरा भाई तो वहां है मौज मस्ती कर रहा होगा। लेकिन जो वेश्या के पास था वो सोचने लगा कि मैं यहाँ कहाँ से नरक में आ गया, मेरा भाई भगवान के दर्शन कर रहा होगा। जब दोनों साथ में मरे, एक ही दिन दोनों की मौत हुई, एक को मिला नरक और एक को मिला स्वर्ग। लेकिन जो मंदिर में था उसको मिला नरक, लेकिन जो वेश्या के घर था उसको मिला स्वर्ग। क्यों मिला? वो तन से वेश्या के साथ था लेकिन मन से भगवान के मंदिर में था। लेकिन जो तन से मंदिर में था वो मन से वेश्या के साथ था। दोनों मरे, दोनों की जब पेशी लगी, पाप और पुण्य छाटे गए, तो एक नरक जाने को यमदूत ले जाने लगे और एक स्वर्ग जाने को। तो जो जो भाई स्वर्ग जा रहा था, नरक वाला भाई स्वर्ग वाले भाई से बोला, देखिए उत्तर का प्रयास है, चूंकि दो भाइयों की बात ली है आपने और ऊपर की बात ली है आपने, तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। स्वर्ग जा रहे हो, मैं नरक जा रहा हूं, तुम स्वर्ग जा रहे हो, साथ में जन्मे साथ में मरे, लेकिन अब साथ ही छूटना है, इसलिए भाई चलते चलते कह रहा हूं आ अब साथ चले। अरे आ अब साथ चले, मन की मर्जी चलती रही, लेकिन यहाँ हमारी आपकी मन की मर्जी नहीं चलेगी ना, अब तो हमको बिछोड़ना पड़ेगा ही। अरे ना अब साथ चले।